इसके पूरे पंजे में तो जख्म बन गया, नीचे के साइड में भाई बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है इसके। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा आराम से इंजेक्शन लगा रहा है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। इन पौधों पर भी भाई काफी ज्यादा फूल आए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम और बरसात में आते हैं इन पे फूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इन्हें खाना खिला के। तो पहले तो भाई इसे खाना खिला दे रहा, और उसको भाई थोड़ा खाना तो हमने दे दिया। वैसे बैठा था ना बहुत ही शांत तरीके से ही है। वैसे और भी इसके साथी हैं वो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो अभी वो इतने आ रहे हैं तो अभी इनको खिला देते हैं। इसके पीछे वाले साथी तो भाई पीछे रुक गए, वो तो भाई अब आ ही नहीं रहे, तो सब खाना इसी को खिला दे रहा। और ये भी इतने सही तरीके से बैठा कि उसको खिलाने का मन भी कर रहा है, तो अभी तो इसे खिला ही दे रहा। और बिल्कुल भी वैसे तो अभी दांत भी नहीं दिखा रहा, खाना नहीं होता ना मेरे पास में, तो दांत तो क्या भाई, ये काट के भी दिखाता बिल्कुल। आज पता नहीं हमारे मैक्स को क्या हो गया, मैं सुबह से नहीं तो इसने खाना खाया है और बिल्कुल सुस्त बैठा, मतलब बिल्कुल उदास तरीके से। तो पता नहीं इसके पैर में क्या हो गया, बार बार अपने पैरों को चाटा जा रहा। तो पहले तो इसके पैरों में देख ले रहा, नीचे थोड़ा थोड़ा रेड तो लग रहा है, पता नहीं क्या कर लिया इसने। तो वैसे तो अभी ये दिखा भी नहीं रहा है, ऐसे तो दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि ये काट और लेगा। तो इस पर तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो भाई मेरे डॉग, लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते इस पर। बाकी कोई डॉग पर तो भरोसा है अभी, और ये अभी तो भाई बिल्कुल ना दिखाएगा, क्योंकि अभी इसके नीचे पैरों में दर्द भी है, पता नहीं क्या मार रखा है। और इसकी ये ना दोनों पैरों में ही है, हो सकता है भाई नीचे छिल गया हो या फिर कुछ हुआ हो उसके, क्योंकि ये कोई जैसे बाहर से कोई बंदा आता ना तो उस पर जोर भी काफ़ी ज़्यादा लगा था, एग्रेसिव होता। पहले तो इसके मजल लगा लेते हैं, मजल लेके आया हूँ, क्योंकि भाई पहले सेफ्टी उसके बाद ट्रीटमेंट, तो पहले भाई मजल तो लगाना ही पड़ेगा उसके। और ये मजल भी भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत के बाद ही लगवाता, ऐसा नहीं लगवा ले। और अभी वो उतारने की ना पूरी कोशिश में लगा हुआ, और किसी से तो ये मजल लगवाता भी नहीं है, मजल के मतलब पास में भी नहीं जाने देता मजल लेके, तो क्योंकि मजल से इसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है, क्योंकि उसको पता है मजल लगा के मेरे कंट्रोल कर लेंगे इस वजह से। तो पहले तो भाई इसके पंजों में देख ले रहा क्या लगा हुआ इसके नीचे की साइड से, और उसका भाई ये ना पूरा रेड रेड हो रहा, पता नहीं क्या हो गया बरसात के मौसम में, लेकिन ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अंदर की साइड में। वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम तो ये भाई जब होती है बरसात के मौसम में, जब गंदा पानी वगैरह में कोई पैर वगैरह रख जाए डॉग का, या फिर गंदी जगह में बंधा हुआ हो तब होती है। लेकिन भाई ये तो एकदम साफ जगह में था, फिर भी इसके हो गया पता नहीं। तो चलो इसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, इसके इंजेक्शन वगैरह। तो सबसे बड़ा काम तो भाई इसके इंजेक्शन लगाने का है, इसको कंट्रोल करके, क्योंकि भाई इंजेक्शन लगाना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है इसका। ये भगवान क्या जुल्म है। इसके पैरों में तो काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गए हैं, ऊपर वाले पैर के तो भाई बाल भी उड़ा दिए इसने चाट चाट की जीप से, और ऊपर तक हो रहा है, नीचे पंजे में तो भाई पंजे के बीच में प्लस ही ऊपर भी हो गया अब तो। तो पहले तो भाई इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इसका भाई पूरा पैर ही ख़राब हो जाएगा। और वैसे तो है तो इसके दूसरे वाले में भी, बट ये ना कि इसको भाई देखने नहीं देगा बिल्कुल भी उठा करके। और ये दिख रहा भाई सामने, इसमें भी इन्फेक्शन है। तो अब इसके लगाते हैं दोबारा से मजल, क्योंकि भाई बिना मजल के तो इंजेक्शन लगवाएगा नहीं, तो उसके इंजेक्शन लगाने हैं। तो पहले तो इसका ना जो गले का कॉलर है उसको थोड़ा पीछे कर ले रहा, वरना भाई दिक्कत कर देगा ये, क्योंकि कॉलर ही निकाल लेगा बाहर, फिर तो भाई कंट्रोल में भी ना आने का। तो उसके दोबारा मजल लगाते हैं। वैसे भाई अब की बार तो इसने बहुत आसानी से मजल लगवा लिया, वैसे पिछली बार मैंने इसका कुछ नहीं करा ना मजल लगा के इस वजह से, और पिछली बार अगर इसके इंजेक्शन वगैरह लगा देता ना तो भाई एकदम से भड़क जाता, फिर तो बिल्कुल ना लगाने देता। और इंजेक्शन तो भाई पहले से मैंने तैयार करके रख लिया अपने पास में, क्योंकि बाद में फिर ये थोड़ा भी टाइम नहीं देगा इंजेक्शन वगैरह तैयार करने का, तो फिर भाई बाद में दिक्कत आएगी। तो ऐसे भी नहीं लगवाएगा, पहले तो इसे ज़मीन पर लिटाना पड़ेगा। तो पहले तो भाई इसे लिटा ले रहा ज़मीन पर, और ये भाई लिटा लिया, क्योंकि आराम से तो ये काबू भी नहीं आने का। और वैसे तो भाई जब इंजेक्शन लगेगा ना इसका भाई असली दिक्कत तो जब है, तो भाई इसके इंजेक्शन की बारी, पता नहीं कैसे कंट्रोल में आएगा। एक बिल्ली का बच्चा तो ये रहा, इसकी पूंछ दिख रही, और एक तो भाई भाग गया, और ये भी भाई सीधा हो लिया इसमें, पता नहीं अब किधर की साइड में निकलेगा ये, तो लकड़ियों के पीछे चला गया ये भी। तो पहले तो हटा के देख रहा है, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये भाई बिल्ली का बच्चा है जो पहले बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसको दूध वगैरह पिला रहे थे सिरिंज वगैरह से जो डिस्पोजी उससे, तो अब तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया पहले से। बस ये है ना कि उसके बाद में जब इसको बिल्ली को दे दिया ना तो थोड़ा सा इंसानों से डरने लगा, शुरू से अगर मेरे पास में रहता तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई अभी तो ये भाग गया, अब तो किधर देख भी ना रहा, पता ना कहाँ पर गायब हो गया, इस लकड़ी के पीछे भी नहीं है। ब्रूनो तो बहुत ही ज़्यादा आराम से इंजेक्शन लगवा लेता, ऐसे तो भाई कुछ पता ही ना मतलब क्या हो रहा मेरे साथ में क्या ना। ये भाई सबसे ज़्यादा शांत है, मतलब वैसे तो शांत नहीं है, वैसे तो अगर ऐसे बोर हो गई, लेकिन भाई वैसे तो शांत है, बस बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत कर देता। ब्रूनो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसको दिक्कत नहीं है इंजेक्शन वगैरह की, बस थोड़ा सा ये है ना कि खाना वगैरह थोड़ा कम खा रहा था, और ये दिन पर दिन मतलब थोड़ा सा कमज़ोर भी होता जा रहा था, एक तो खाना नहीं खा रहा और ऊपर से कमज़ोर तो फिर होता ही, तो उसके लिए भाई इसको इंजेक्शन वगैरह दिए। और अभी इसके एक इंजेक्शन तो लग गया,
थोड़ी मसाज वगैरह कर देते, उसके बाद इसकी बारी है दूसरे इंजेक्शन की। तो भाई ये रहा इसका दूसरा इंजेक्शन, कितने आराम से लगवा रहा पैर ऊपर करके, जैसे भाई कह रहा वो लगाओ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं भाई इसके। तो इंजेक्शन लगवाते बिना इसने तो आँखें बंद कर रखी अपनी। वैसे सभी डॉग्स में यही है एक ऐसा डॉग जो कि भाई बिना किसी के पकड़े हुए इंजेक्शन लगवा लेता। तो इसके भी दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं, अब इसको भी नहला देते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि बारिश का टाइम है और खेतों में तो पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है। तो खेतों में से जाता ना तो टायरों पर मिट्टी वगैरह चिपक के पूरा का पूरा ही गंदा हो गया। तो इसकी धुलाई वगैरह कर देते हैं, उसके बाद में इसको अंदर कर देंगे और बाकी का काम फिर देखते हैं, क्योंकि भाई साथ में इस चीज़ की भी केयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की केयर करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। आज तो इन वाले पौधों पर भी काफ़ी ज़्यादा फूल आए हुए हैं और भाई काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर। तो वैसे तो ये बरसात के मौसम में ज़्यादा खिलते हैं, और वैसे तो भाई गर्मियों वगैरह में या फिर ठंड में बिल्कुल भी इस पर फूल नहीं आते, एक दो की बात अलग है, एक दो आ जाएँ, लेकिन हाँ बरसात में कुछ ज़्यादा ही फूल आते हैं इस पर। तो अभी तो भाई पूरा ना भरा हुआ चौफर से और पास से, और ये हमारा पौधा पहले सूख चुका था बड़ा वाला, तो अब तो भाई ये भी हरे आने लगा, मतलब किल्ली वगैरह इसकी हरी हरी आने लगी। तो वैसे ये भी ठीक हो ही जाएगा। बारिश होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो भाई इन पेड़ों का हुआ भाई, चारों तरफ ना हरियाली हो गई और इन पर भी ना काफ़ी ज़्यादा हरियाली आ गई, इन पौधों पर भी बिल्कुल भाई हरे हरे हुए। पहले तो उन पर ना थोड़ी सी धूल वगैरह भी थी, धूल उड़ती है तो भाई चिपकी जाती है, तो अभी तो पूरे नहीं धुल चुके हैं, तो एकदम भाई कुछ ज़्यादा ही हरियाली है। इधर ब्रूनो भी देख रहा, सोच रहा हुआ पता नहीं क्या कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है क्या कर रहा, तो भाई लो इसे भी ब्लॉग में ले लेते हैं। बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भाई डॉग्स की आई हुई है, क्योंकि भाई ये तो सब केज में या फिर अंदर ही बैठे रहते हैं, भाई बाहर निकलने का तो उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर अगर नहीं निकलेंगे तो भाई वैसे परेशान करेंगे। ये रहे हमारे कांटे वाले पौधे जो कि भाई हमने पहले लगाए थे, तो अब तो इन पर भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली आई हुई है। बस थोड़ी सी एक गलती कर ली कि मैंने इनको ना एक गमले में तीन लगा दी है, लेकिन कोई नहीं थोड़े बड़े और हो जाएंगे, उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, तो अभी लगाएँ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। बस इसका मेरे को ना नाम ना पता, इसलिए भाई कांटे वाला पौधे कह दिया इसको। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, और ये वाला भाई रॉक्सी ने उखेड़ दिया था पहले, तो उसको तो लगाने का टाइम ही ना मिला, काफ़ी दिन से ऐसा ही है। तो इसने तो बस यहीं पर अपनी जड़ें वगैरह पकड़ ली, तो ये तो यहीं पर होना स्टार्ट हो गया, लगाते हैं इसको भी शाम को या फिर कल में। और इधर की साइड में ये भी अंदर वाले जो फूल थे उसी के हैं बिल्कुल सेम, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फूल हैं। पहले तो इस पर भी एक या दो फूल आते थे, लेकिन अभी तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, और ये भाई इस पर 5-6 फूल हैं अभी, और एक तो भाई पूरा नीचे की साइड में गिरा हुआ है, वो भाई नीचे खुश है, लेकिन कोई नहीं इसको नीचे रहने देते। और गुलाब के पेड़ पे भी अब किल्ली वगैरह आने लगी, क्योंकि बीच में गर्मी ज़्यादा थी ना, तो भाई सभी इनके पत्ते वगैरह सब झड़ गए और सूखने लगे थे। ये बारिश होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो भाई इन पौधों को ही मिला, और भाई हमें भी मिला, क्योंकि भाई हमको पानी लगाने की कोई टेंशन नहीं है, और पहले तो भाई ना पानी भी लगाना पड़ता, लेकिन उसके बाद भी सूख रहे थे। ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।